विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दुनिया के बढ़ते तापमान पर एक रिसर्च किया है, जिसके मुताबिक साल 2027 तक इस दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अगर इतना तापमान बढ़ गया तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। छोटे जीवों के लिए गर्मी में अपना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और इंसान धूप में निकलने से पहले 100 बार सोचेंगे। पृथ्वी का तापमान तेजी से गर्म हो रहा है। आज आप जून के शुरुआती हफ्तों में ही धूप में निकल जाएं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्किन जल जाएगी। शहरों में या जिनका कमरा टॉप फ्लोर पर है, उनके लिए बिना एसी के रहना मुश्किल होता जा रहा है। सोचिए अभी जब ये हालत है तो आने वाले कुछ सालों में क्या होगा। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 2027 तक पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो बाहर निकलने पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे स्किन जल जाएगी, लेकिन 2027 में जब आप धूप में बाहर निकलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ देर में ही पिघल जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्यों बढ़ रहा है तापमान। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अल नीनो और मानव गतिविधियों से जो उत्सर्जन बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में हो रहे तमाम प्रयासों के बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हो रही है। दुनिया में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। साल 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था तो कहा यह गया था कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर लिया जाएगा, लेकिन अब जिस तरह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वो इस समझौते की सीमा को तोड़ता नज़र आ रहा है। तो सवाल यह है कि इन सारे संदर्भों के बीच वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। वैज्ञानिक दुनिया के बढ़ते तापमान से चिंतित हैं। दरअसल दुनिया का तापमान 19वीं सदी में जैसा था, आज उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा है। उसके पीछे का कारण बताया गया कि 19वीं सदी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसिल्स फ्यूल्स के इस्तेमाल में तेज़ी देखी गई। वहीं वैज्ञानिक 1815 और 1900 के बीच का एवरेज टेम्परेचर डेटा लेकर कहते हैं कि कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल से पहले की दुनिया में जैसे थे, उसे देखकर लगता था कि अगर पृथ्वी का तापमान आने वाले वर्षों में 2 डिग्री भी बढ़ जाता है तो इसके परिणाम काफ़ी खतरनाक होंगे। लेकिन अब दुनिया की स्थिति देखकर पता चल रहा है कि अगर दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री भी बढ़ गया तो ये इंसानियत के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित होगा। गर्मी का सबसे ज़्यादा असर गेहूं और रबी के फसलों पर पड़ रहा है। भारत गेहूं उत्पादन में दुनिया के दूसरे नंबर पर है। ऐसे में साल 2022 में मार्च में पड़ी भयंकर गर्मी के कारण से गेहूं के उत्पादन में 23 मिलियन टन की कमी आई थी। साल 2021 में भारत ने 129 मिलियन गेहूं उत्पादन किया था, जो 2022 में घटकर 106 मिलियन टन पर पहुँच गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सलाहकार अनूप श्रीवास्तव की माने तो इस साल यानी कि 2023 में गेहूं सहित कई रबी फसलों में पहले ही समस्याएं देखी जा रही थी। तापमान की वजह से और नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। इस समस्या के हल के लिए भारत सरकार ने गेहूं और रबी फसलों की मॉनिटरिंग के लिए एक पैनल का गठन किया है। रिपोर्ट की माने तो भारत में कृषि आयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे और देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के अधिकारी और सरकारी वैज्ञानिक भी इसमें शामिल होंगे। भारत सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में एक बयान जारी कर करके कहा था कि गेहूं के उत्पादन में 4.1% की बढ़ोतरी हो सकती है। वीडियो के अगले भाग में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है अल नीनो और ला नीना। ये दो वजहें हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत में गर्मी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और इन दोनों के प्रभावों से भारत में गर्मी भयंकर होती जाएगी। तो वीडियो के हम अगले भाग में समझने की कोशिश करेंगे कि अल नीनो और ला नीना क्या है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।